थोड़ा सा अंतर्मन में सोच रहा था कि सही में चुनाव कैसे हुआ, और जो गिरावट हमारे प्रचार में आई थी वो देखकर बहुत सदमा होता था, दुख होता था। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पद पर रहे हुए व्यक्ति की जब विचार प्रकट होते थे तो बुरा लगता था। कहाँ जा रहे हम, कहाँ लेके जा रहे इस देश को हम, वही तो बता रहो। अभी आप सुन लीजिए ललन जी, ये इंडिया बनाना हमारा, यू आर देयर सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, व्हेन वी फॉर्म द इंडिया ही वाज देयर इन द इंडिया, ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडिया, टुडे स्पीकिंग द अदर वे, एनीवे जस्ट आई वांटेड टू रिकॉलेक्ट द मेमोरी, ही वाज देयर प्रेजेंट इन द मुंबई मीटिंग आल्सो, एनीवे दैट इज दैट आई वांट टू रिकॉलेक्ट। चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ वो बड़ा बुरा लगा। हमने पूरे देश में एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, हमने ध्रुवीकरण करना चाहा, और वो ध्रुवीकरण धर्म के विषय पर हो रहा था। हम भी हिंदू हैं, हमें गर्व है हिंदू होने का, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम दूसरे की घृणा करें। और हम घृणा फैलाकर दीवारें खड़ी कर रहे थे, और दीवारें खड़े करने के लिए जो भाषा का प्रयोग हो रहा था वो इतना गिरा था कि बहुत दर्द हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते, देश के प्रधानमंत्री बोलते जिसके पास ज़्यादा जनता लोग हैं वो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन कर लेके जाएंगे। हमारी पार्टी को भी कहा, नकली कहा, हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब पर भी लांछन लगाए, लेकिन एक हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब जिस ढंग से डट के खड़े रहे, और हमारे शरद पवार साहब हो, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी, ये सब मिलकर इंडिया बनाई, आप भी उसमें हैं, हमें बहुत खुशी है। हम संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, हम जनतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, और उसकी बात जब करते हैं तो आदरणीय टिकर साहब ने जब भाषण किया, मुझे बहुत मतलब दर्द हुआ कि इतना अच्छा माहौल पैदा हुआ था। आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बनकर वहाँ आए, उनको लेकर साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर माननीय अध्यक्ष जी को वहाँ विराजमान कर दिया, और उसके बाद में भाषण करते समय वो 1975 में क्या हुआ बताने लगे। 50 साल की आप जख्म को खोलते हो, खरोचते हो तो खून ही निकल आता है। हम क्या करना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय महिला हमारी है, बहन है हमारी, उनके भाषण में भी यह विषय आया तो मुझे बहुत ठेस पहुंची। संविधान खतरे में जब कहते तो यही बात है कि क्यों हम पुरानी जख्मों को खरच कर खून निकल ले लाए हूं। हम अपेक्षा करते कि कुछ अच्छे विचार हो जाए, आगे चले, तो आगे चलने के बजाय हम अलग चलते हैं। मैं जब भी सोचता हूं कि जैसे कि करप्शन की बात आती थी, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन, आई आस्क द क्वेश्चन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन, द वे यू हैव फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन, द चार्जेस हैव बीन मेड, द चार्जेस, किसने आरोप लगाए सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में आरोप लगाए एक हमारे आज हमारे वित्त मंत्री है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर आरोप लगाए, कहा कि 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आरोप लगाया। 8 दिन के अंदर वही शख्स इनके पार्टी में गया, ले लिए पार्टी, उसको पार्टी के साथ में विधायक भी गए, और उनको बाद में राज्य का वित्त मंत्री बनाया। आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन सर? इसके बावजूद और भी बात बता देता हूं कि जब और भी एक बात हुई, हमारे शिवसेना से गुट फुट कर गया, भाग गया, भगोड़े थे गए, और उनको जाकर इलेक्शन कमीशन, मैंने परसों भी वही बात कही थी, इलेक्शन कमिश्नर गुलाम है, किसका गुलाम है? सत्ता पक्ष का गुलाम है। बुरा लगता है कहने में सर, वन हैज टू बी, ये सारी संस्थाएं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी संस्थाएं गुलाम पकड़े पर रखी है। तभी तो इन्होंने जब हम 146 सांसदों को सस्पेंड किया, उसमें कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया? इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक समिति बनती थी, उस समिति में आदरणीय प्रधानमंत्री रहते, उस समिति और कौन रहेगा, उस समिति में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज देयर इन द कमिटी। इन्होंने लॉ पास किया नया, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही निकाल दिया। और क्या किया, प्रधानमंत्री विल बी देयर एंड अनदर मिनिस्टर विल बी देयर, हु इज दैट,
ही विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो भी उसको डेजिग्नेट है क्या कौन सा मंत्री रहेगा, उसको नॉमिनेट कर देगा प्रधानमंत्री, नॉमिनेट जिसको नियुक्त करेंगे वो मंत्री रहेगा और एक विपक्ष का, 2:1। तो क्या होगा, कौन आएगा, हु विल बी द इलेक्शन कमिश्नर, इज इट जुडिशियस, वी आर फाइटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और आज भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू द हाउस काइंडली लुक इन टू दिस इशू, इट इज यू नो द सैंक्टिटी ऑफ द डेमोक्रेसी हैज टू बी मेंटेन, उसका पवित्रता रखनी है तो जुडिशियरी भी ऐसी बंद होनी चाहिए। वो तो चंडीगढ़ का महामाला था ना, वो आईने में आया करके तो चुट गया, नहीं तो चंडीगढ़ का मेयर भी जाता था, ये कम नहीं है ये लोग। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो संस्थाएं जो बनी है ना, महामान्य राष्ट्रपति जी आपको भी कान खींचने का अधिकार है, आपने नहीं कान खींचा, जो भी सारी चीजें गलत होती है आप कुछ नहीं बोलती।